गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज माय सेकेंड वीडियो ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल स्टैंडर्ड 8 केमिस्ट्री। इन फर्स्ट वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ हियर आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ chemical property. Here I have written some points: nature of ions, nature of oxide, reaction of dilute acid, activity series and displacement reaction. इसी टर्म को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेचर ऑफ आयन, दिस इज ऑल्सो द डिफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। Metals are electropositive elements. Non-metals are एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एक लाइन में डिफ्रेशन है मेटल और नॉन मेटल का। इसका मतलब होता है कि मेटल्स ऐसा एलिमेंट है जो कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी रखता है। मेटल्स आर द एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन और कैटायन। ऑन अदर हैंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू नेगेटिव चार्ज आयन और एनायन। अब कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके बारे में हम क्लास 9 में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। अभी आप इतना आप जान लीजिए जो व्हाट इज मेटल, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को हम मेटल बोलते हैं और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को हम बोलते हैं नॉन मेटल। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल का क्या मीनिंग है वो हम बता दिया। इसमें थोड़ा सा हम हिंट करते हैं, जो सोडियम ऐसा एलिमेंट है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है वो सोडियम प्लस में कन्वर्ट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और क्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो Cl- क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करता है। तो कोई एक गेन करता है, कोई दो गेन करता है, कोई थ्री गेन करता है, कोई 1 लूज करता है, कोई 2 लूज करता है, कोई 3 लूज करता है, इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 9 में पढ़ेंगे। अब देखो सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड जानते हैं क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्साइड इज द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्साइड इज बाइनरी कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ एन एलिमेंट। बाइनरी बोलते हैं सिर्फ 2 होता है,
बाइनरी बोलते हैं इसमें दो है एलिमेंट है, टर्नरी इसमें तीन एलिमेंट है, क्वार्टरनरी इसमें चार एलिमेंट है। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्साइड बनता किसे है, जब किसी भी एलिमेंट को आप हीट करते हैं, जब उसको हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और एक कंपाउंड में चेंज करता है, इसे कि हम ऑक्साइड करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम को जलाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, अगर हम कोयला को जलाते हैं कोल को तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगर ऑक्सीजन कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये जो ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है, तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड्स और बेसिक इन नेचर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड सोडियम एंड एक सिंबल है सोडियम का, जब उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और बनता है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अगर इसको बैलेंस करना चाहेंगे ऑक्सीजन दो है यहाँ पर टू आप डाल दीजिए, ऑक्सीजन दो हो गया सोडियम हो गया फोर, यहाँ पर फोर डालेंगे ये बैलेंस हो गया। तो सोडियम ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर का मतलब है जब भी सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा, वाटर में मिलाइएगा और उसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर लेकर के जाएंगे तो ब्लू में कन्वर्ट होगा, रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू, इसी को बोलते हैं बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर मीन्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अच्छा ये बताइए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड होता क्या है, सल्फर ऑफ सोडियम ऑक्साइड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जब वाटर में उसको क्या बोलते हैं, जब भी सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व करता है ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो
सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? ये तो कोई बेस ही तो है, ये बेस है या अल्कली है जो तो बने, तो अल्कली होता है और तो रेड लिटमस पेपर को ग्रुप में चेंज करता ही है। इस तरह से अगर आप कोई भी मेटल को जलाइएगा तो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और बनेगा मेटल का ऑक्साइड, उसको आप वाटर में डालिएगा तो बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। इसलिए वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब यूं आइए, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब है नॉन मेटलिक ऑक्साइड कभी हम यूज किए हैं, याद कीजिए कोल्ड ड्रिंक पिए हैं ना, कोल्ड ड्रिंक गर्मी में पीने में खूब मजा आता है, तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन ही तो है। ये तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है इन कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तब, तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। जब यही CO2 जो है यही एसिडिक है, कैसे पता करेंगे? तो CO2 को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये बनाता है H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसी का सॉल्यूशन पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में। डिफरेंट ब्रांड का जो कोल्ड ड्रिंक्स आता है उसमें कंपल्सरी रूप से H2CO3 रहता ही रहता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये है, जब ये एसिड लगा दिए तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, इसलिए लिखा है नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे, अगर हम सल्फर को जलाएंगे ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करेंगे ये बनेगा H2SO3। H2SO3 बनाएगा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। अब देखो थर्ड पॉइंट, इसको हम बता रहे सेकेंड पॉइंट ऑफ हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो तो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो एक्टिविटी सीरीज क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है तो हम आगे पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ गैलिक एसिड है मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम
dilute acid to form metal salt. यहाँ पर जस्ट लिखेंगे इसका उल्टा, नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम नॉन मेटल, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute acid. इसका मतलब है कि अगर आप मैग्नीशियम को निकालिएगा, एक्सियल को या सिंपली को आप पहले सोडियम को पहले बताएंगे डालेंगे, अगर एक्सियल, एक्सियल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, तो क्या करेगा, सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर देगा, इसको इसके प्लेस से हटा देगा और ये बन जाएगा NaCl और ये बन जाएगा हाइड्रोजन, ये बन जाएगा NaCl और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है यहाँ पर हम टू कर देंगे तो ये हो गया 2NaCl, यहाँ पर 2Na। अगर यही चीज करेंगे यहाँ पर हम तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, अगर हम सल्फर में डालेंगे हम HCl इसमें होगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, सल्फर का जो मजा नहीं है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब हम ये जानना चाह रहे हैं जो कौन सा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, कौन सा नहीं करता है, मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन। ए रिएक्शन इन विच इसका और नाम है
क्रिएटिविटी सीरीज इसको अरेंजमेंट डिफरेंट एलिमेंट इन ए कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज इन रिएक्टिविटी सीरीज इन रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट रिएक्टिव मेटल मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट टॉप व्हेयर एज लेस रिएक्टिव मेटल At bottom. Of lithium, potassium. Lithium, potassium, barium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin. Lead, hydrogen, silver, copper, mercury, silver, gold, platinum, lithium. ये है ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर इसको मिटा देते इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर मोस्ट रिएक्टिव मेटल का अवार्ड जाता है लिथियम को मोस्ट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव को ये प्लेटिनम ये हो गया लिस्ट रिएक्टिव और बाकी ऐसा हो गया मोडरेट रिएक्टिव अब आते हैं हम
फिर से शॉर्ट कट आते हैं। देखो ना ऊपर कॉपर है, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डालते हैं जिंक, देखो जिंक यहाँ पर है, जिंक यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर डालते हैं, ये होता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड। तो ये है ब्लू कलर, और ये होता है कलरलेस, कलरलेस। अगर हम उल्टा करें, अगर हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इसमें डालें हम कॉपर, ये एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड, तो जिस तरह से ऊपर देख रहे हैं उस तरह से ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, यहां लिखेंगे हम नो रिएक्शन, यहां लिखेंगे हम नो रिएक्शन। कहां जानते हैं, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देखो जिंक यहां पर है, जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर यहां पर है, इसीलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, इतनी उसकी औकात नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी कॉपर का बहुत कम है और जिंक का बहुत ज्यादा है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। यहां पर जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रखा हुआ है, ये सब एलिमेंट को जब डालेंगे हम डाइल्यूट एसिड में तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये दो एलिमेंट यहां से यहां तक रखा हुआ है, अगर इस एलिमेंट को अगर हम सिर्फ एम लिखें तो एम को अगर डालेंगे हम एक्सीएल में तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और सॉल्ट बनाएगा एम का, सॉल्ट ऑफ एम। अब इसका फॉर्मूला होगा जो एम का जो बैलेंसी है उसके आधार पर, अगर हम एम वन लिखें डाले एक्सियल, एम क्या है, एम इज मेटल एवर इन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, एम जो है सो हाइड्रोजन से जो ऊपर रखा हुआ मेटल है ये रिएक्ट किया, और एम वन क्या है जो हाइड्रोजन से नीचे रखा हुआ है, अगर यहां पर डालेंगे एक्सियल तो ये होगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा ही नहीं, क्योंकि एम जो है सो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ओके चिल्ड्रन, आप पढ़ते रहिए, ये हमारा सेकेंड वीडियो था मेटल और नॉन मेटल का, इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।